हेलो गाइस, आज हमारे पास आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का, है ना। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आने वाले हैं, उसके कुछ पैटर्न्स को हम देखेंगे जो चैप्टर पे बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का है कि इफ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा का वैल्यू क्या। पहले क्या करेंगे हम, tan बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू 4/5, ये tan बीटा का वैल्यू कितना है, 4/5 आ गया। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। हमने पढ़ा है कि tan बीटा का वैल्यू क्या होता है, sin बीटा बाय cos बीटा। हम क्या करेंगे, इच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस बीटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। हम कॉस बीटा डिवाइड कर रहे हैं तो 5 साइन बीटा बाय कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा बाय कॉस बीटा बाय 5 साइन बीटा बाय कॉस बीटा और प्लस 2 कॉस बीटा बाय कॉस बीटा। ध्यान दीजिएगा, 5 साइन बीटा बाय कॉस बीटा ये क्या हो जाएगा, tan बीटा। तो tan का वैल्यू कितना दिया हुआ, tan बीटा का 4/5, तो 5 इंटू 4/5 और माइनस कॉस कॉस आपस में कैंसिल, तो 2 बाय साइन बाय कॉस का था 10, तो 5 इंटू 4/5 और प्लस 2, तो 5 फोर का कितना हुआ 20, 5 फोर का कितना हुआ 20, 5 से 5 कट जाता है क्यों 20, 4 माइनस 2 न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया और डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 2। अब ये मत कर देना कि माइनस टू प्लस टू काट देना फोर को, है ना, कितने बच्चे ऐसा भी करते हैं। तो फोर माइनस टू कितना होगा 2 और ये 6, वैल्यू कितना आएगा 1/3। रिक्वायर्ड आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर का साइड है, है ना, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसके अंदर जो सर्कल होगा उसका एरिया कितना होगा। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, ये सर्कल इसके अंदर खींचेंगे तो सर्कल जो बनेगा तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा ना वो इसके स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के साइड के क्या है, बराबर है। तो वैल्यू कितना 6, या डायमीटर कितना 2 रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू कितना होगा 6/2, कट के वैल्यू कितना 3। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई, आर का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ये सभी क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24, तो डिफरेंस ऑफ मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है 24। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देयर इज डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, तो मीडियन माइनस मीन का वैल्यू कितना होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका यूज तो हम करेंगे ही, लेकिन जो हमारा गिवन वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मोड का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, गिवन मोड माइनस मीडियन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू कितना 24, तो मोड का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, मोड इज इक्वल टू 24 प्लस मीडियन। तो हम क्या करेंगे, मोड की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 24 प्लस मीडियन का, है ना, तो 24 प्लस
मीडियन का हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3 मीडियन माइनस 2 मी। अब हम क्या करते हैं, इस मीडियन को इस मीडियन के पास भेज देते हैं, तो 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन इज इक्वल टू माइनस 2 मीन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन कितना का वैल्यू, 2 मीडियन। तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, 24। 2 से डिवाइड कीजिए तो 12 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। देखिए यही आपसे पूछ रहा है कि मीडियम और मीन का डिफरेंस बताओ, तो मीडियम और मीन का डिफरेंस कितना आ गया, 12 इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर PQR एंड S। तो S का कोऑर्डिनेट आप निकालिए। देखिए पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट बनाना होगा। अगर आप मान लो कि उसके डिस्टेंस फॉर्मूला पर बना रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वहां पे, और बहुत ही लंबा चला जाएगा, है ना, और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो हम PQR से क्या करेंगे, इसके डायगोनल की कॉन्सेप्ट बनाएंगे, है ना। डायगोनल कॉन्सेप्ट ये कहने का मतलब है कि इनके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, और इंटरसेक्ट करते हैं बीचों बीच, यानी कि पार्ट वाइज क्या करते हैं, इक्वल हो जाता है, यानी कि OS का डिस्टेंस OQ के बराबर और OP का डिस्टेंस OR के बराबर। तो P का कोऑर्डिनेट कितना है, 3.4 है, Q का -2.3 है ना, और R का -3.-2 है, और S का पता नहीं है, कोई x, y दे देते हैं। तो ये जो O जो है वो PR का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग, और O जो है वो SQ का मिड पॉइंट है, तो है ना, तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ SQ, मिड पॉइंट ऑफ SQ, है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ PR, तो 3 माइनस 3 बाई 2 और x का वैल्यू ये हो जाएगा और y का हो जाएगा 4 माइनस 2 बाई 2। ये x, y का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट क्या है, SQ, तो SQ का मिड पॉइंट कितना होगा, x माइनस 2 बाई 2, y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, y माइनस 3 बाई 2, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम x को x से इक्वेट कर देंगे और y को y के साथ इक्वेट कर देंगे, है ना, 3 माइनस 3 बाई 2 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, ये हमारा x था, हमने x को इक्वेट किया, और y का 4 माइनस 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 की वैल्यू 1 और y माइनस 3 बाई 2, 4 माइनस 2 2 बाई 2 कट के वैल्यू 1, y माइनस 3 बाई 2 और 0 इंटू 2 x माइनस 2, ये 0, ये x माइनस 2 और x इक्वल टू +2, है ना, और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू y माइनस 3, और y के वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 3, y के वैल्यू कितना आ गया 5 और x के वैल्यू कितना आ गया 2। तो हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ s, द कोऑर्डिनेट ऑफ s, आजकल बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है ना आप लोग को, द कोऑर्डिनेट, और साथ में मुझे भी हंसा रहे हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ s x, y, x का वैल्यू कितना आया है 2 और y का कितना है 5, तो 2, 5 इसका करेक्ट आंसर। बच्चों यहां माइनस नहीं प्लस होगा, है ना, y+3 या y+3, तो अगर ये 3 जाएगा तुम लोग के हंसने के कारण में क्या होगा, प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गया, है ना, तो 2 माइनस 3 कितना वैल्यू आएगा, -1, और कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 2, -1 होगा। आपका ध्यान भी होना चाहिए पढ़ाई में, है ना, अगर हंसने के कारण मेरी तरह आप मिस्टेक भी कर सकते हो, तो यहाँ प्लस नहीं या माइनस नहीं, प्लस का ही होता है, बिकॉज हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि x1+x2/2 और y1+y2/2, है ना, ओके।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 135 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आप वह बड़ा से बड़ा संख्या नहीं कर रहे, जैसे ही लार्जेस्ट नंबर की बात बोल दे आप कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट उसका एचसीएफ निकाल दो। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा आप क्या करना वहां पे एलसीएम निकालना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 70 और 125 को डिवाइड करे तो 5 और 8 उसमें क्या है रिमाइंडर बचे। तो 70 माइनस 5 कितना आएगा वैल्यू 65 और 125 माइनस 8 बोला डिवाइड करने के बाद इतना रिमाइंडर बचेगा। तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगा उसका आप एचसीएफ निकालोगे, तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एचसीएफ निकालेंगे किसका 65 का और 117 का, तो 65 और 117 का एचसीएफ डायरेक्ट 13 हो जाएगा बिकॉज़ 13 into 5 और 13 into 9 कॉमन कितना आ गया 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो बच्चों यह क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी टू इंटीजर सच दैट ए का वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू पी टू द पावर 3 एंड क्यू टू द पावर 4 और बी का वैल्यू कितना है कि पी टू द पावर 2 एंड क्यू टू द पावर 3 वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। पी और क्यू क्या है प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ निकालिए ए और बी का। तो पहले आपको एचसीएफ निकालने के लिए जो सबसे छोटा पावर होगा वो उसका एचसीएफ होगा। तो यहां पे p का पावर m दिया हुआ है और q का पावर क्या n दिया हुआ है, तो p का पावर एचसीएफ कितना है p का पावर 2 और 3, तो 2 वाला ऊपर से करेंगे p का पावर 2 और सॉरी q का पावर कितना होगा 3 होगा, तो q का पावर 3। इसका ये मतलब है कि m का वैल्यू 2 आ गया और n का वैल्यू 3 आ गया। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ a एंड b, तो एलसीएम के लिए p का पावर क्या दिया हुआ है r एंड q का पावर s, तो यहां एलसीएम हाईएस्ट पावर, तो p का पावर कितना है 3 है, तो p का पावर 3 हाईएस्ट और q का कितना है 4, तो q का पावर 4, तो r का वैल्यू 3 और q का वैल्यू r का वैल्यू 3 और s का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है यहां पे a plus n और r plus s, m का वैल्यू 2 आ गया और n का वैल्यू कितना 3 है, r का वैल्यू कितना 3 है और s का वैल्यू कितना 4 है, तो 3 4 7 into 2 3 the 5 वैल्यू कितना आ गया 35 इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके यहां पे क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल उस एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। करा एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका एरिया दो छोटे छोटे सर्कल के सम के एरिया के बराबर है, पर इसका रेडियस r1 देते हैं इसका रेडियस r2 लेंगे और इसका सीधा बड़ा वाला r लेते हैं, तो इसका एरिया होगा पाई बड़ा वाला r स्क्वायर और इसका पाई छोटा वाला r1 स्क्वायर और कितना होगा पाई छोटा वाला r2 का स्क्वायर। हम यहां से पाई r स्क्वायर से यहां पाई कॉमन लेते हैं और यहां r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल, r का वैल्यू डायमीटर तो वो निकालना है रेडियस निकाल लेते हैं उसके बाद डायमीटर निकाल लेंगे ना, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r1 कितना है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू रूट अंडर 576 प्लस 49, तो r का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 625 है ना, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना होगा 2 इनटू r, तो 2 इनटू 25 सेंटीमीटर बच्चों कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स यू कैन कमेंट, आपने लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही कमेंट करो कि जिस टॉपिक का आपको क्वेश्चन चाहिए है ना, आई विल प्रोवाइड यू एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके।